मैं जो हूँ, मैं कोल्हापुर से हूँ, तो हमारा कोल्हापुर का वहाँ की कुश्ती फेमस है। तो वहाँ पे जो देखेंगे तो तालीम में कोई ना कोई हर घर से जाता है, लेकिन मेरे घर में खासियत ये थी कि मेरे ग्रैंडफादर थे जो मम्मी के डैडी भी और डैडी के डैडी भी, वो दोनों भी पहलवान की करते थे। और मेरा भाई जो था वह बॉडी बिल्डिंग में आ गया, मेरे डैडी थे वो भी पहलवान की करते थे। वहाँ पे जो माहौल था पूरा कुश्ती का माहौल था, और उसमें से थोड़ा मेरे भाई ने और मैंने कुछ अलग करने का फैसला किया और बॉडी बिल्डिंग में आ गए। बॉडी बिल्डिंग में मेरा भाई जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उसके हिसाब से उसने अच्छा कर दिया। स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो कोल्हापुर में एक छोटी सी झोपड़पट्टी से मेरा स्टार्टिंग हुआ था। कोल्हापुर के विक्रम सिंह खांडे करके एक शुगर फैक्ट्री थी, उनके वो चेयरमैन है। उन्होंने मुझे देखा और वो एक कॉम्पिटिशन में देखने के बाद उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप दी, और वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। क्योंकि वहाँ से लेके आज की यहाँ तक बीच में बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया। सर कौन सा आपकी लाइफ में वो पॉइंट है जहाँ पे आपको लगा कि नाउ दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ? इसमें से टर्निंग पॉइंट बोलना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लिए जब कोल्हापुर में कंपटीशन करता था, तब डिस्ट्रिक्ट की छोटी छोटी कंपटीशन करता था। डिस्ट्रिक्ट के होने के बाद फिर सातारा सांगली और कोल्हापुर, मतलब चार डिस्ट्रिक्ट की कंपटीशन खेलने लगा। उसके बाद में उसको पश्चिम महाराष्ट्र बोलते थे, वो कॉम्पिटिशन में खेलने लगा। तो फिर उसके बाद में कुछ ऐसा टाइम आया था कि मेरे डैडी की जॉब चली थी और घर में फाइनेंशियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो वो टाइम पे मैं कुछ जॉब का सर्चिंग मेरा चल रहा था, और उसी टाइम में एक कंपटीशन आया था शाऊ शुगर फैक्ट्री। वो शाऊ शुगर फैक्ट्री मतलब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनका नाम लिया विक्रम सिंह के साथ, उनका वो कंपटीशन था। और वो कंपटीशन में जाने के बाद उन्होंने मुझे देखा, मुझे बोला कि तुम्हारा पेपर में बहुत बार मैंने नाम सुना है, से बात किया, बोला मेरे ऑफिस में तो आ, वो मुझे भी मैं उनके ऑफिस में चला गया मिलने के लिए। वहाँ मिलने के बाद उन्होंने मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी, मैंने उनको बताया जो था वो सब मैंने बोल दिया। उन्होंने बोला कि एक काम कर, बोला तू मैंने एक जॉब सर कर भी लिया था, मैं जाने भी वाला था वहाँ पे, 1500 रुपये पेमेंट मिलने वाला था। तो बोले कि तुझे कुछ जॉब पर जाने की जरूरत नहीं है, तो अपना वर्कआउट कर, इसके ऊपर फोकस कर, जो पेमेंट तुझे उधर मिलने वाला था यहाँ पे। तो वही टाइम में बोला कि इतना बड़ा आदमी मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो वही टाइम में मैंने सोच लिया कि इसका मैं गोल्डन चांस करूँगा। और मेरे लाइफ का वही टर्निंग पॉइंट है, वो मिलने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर आपने कौन सी इवेंट में पहला कॉम्पिटिशन खेला था, और उस कॉम्पिटिशन में आपका क्या माइंड सेट था कि मुझे बस जीतना ही है या फिर पहला कंपटीशन? वैसे मैंने स्कूल के टाइम से ही मैंने वर्कआउट चालू किया था, मतलब 8th में था तब मैंने वर्कआउट चालू किया था। और पहली कंपटीशन जो कि मैंने वो 15 इयर्स में की थी, और 15 इयर्स में हमारा जिम का एक इंटरनल कंपटीशन हुआ था, और वो कंपटीशन में मेरे लिए फर्स्ट कंपटीशन था। और मेरा भाई जो था उसमें वो भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो उसने वहाँ पे फर्स्ट नंबर जीता हुआ था। और वो कंपटीशन में भाई मेरे से 8 साल बड़ा था, वो तो बॉडी भी उसकी उतनी बड़ी भी थी, एचए भी बड़ा था, तो उसका फर्स्ट आया हुआ था। और मेरा जो है वो 4th पोजीशन मुझे पहली बार मिली हुई थी, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मेरे फ्रेंड्स सब बोले कि नहीं उतर उतर तू भी उतर, तो उसके बाद में मैंने वो कॉम्पिटिशन ट्राई की और वहाँ पर मुझे 4th प्लेस मिला। उसके बाद में जो है वो मेरा नंबर चालू हो गया, वो आज तक बरकरार। सर जितने भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होते हैं इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल में भी, तो कोई अगर मिडिल क्लास फैमिली का कोई पर्सन है, कोई बॉडी बिल्डर है, अगर उसे उन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है तो किस तरह से अपनी शुरुआत करें, तो क्या एडवाइस देंगे आप? इसमें एक बात है कि मिडिल क्लास में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के ही लोग होते हैं बॉडी बिल्डिंग, और दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट नहीं कर सकता है, उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही हो जाती है। तो वो कंपटीशन
कि तैयारी करने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि खर्चा कितना छोड़ता है वो, अगर सब मैनेज करते करते वो आगे निकल जाता है। तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा, हमारे मिडिल क्लास की जो भी हो या कोई भी हो, मतलब क्योंकि मैं बहुत गरीबी से आया हुआ हूँ और बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, तो समाज में पब्लिक में पहला खुद को प्रूव करना चाहिए, उसके बाद में पूरी जो पब्लिक है समाज है उनके पीछे खड़े रहती है और उनको सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या फिर जो भी चैम्पियनशिप हो, यूनिवर्सिटी की हो या स्टेट की हो, उसमें कुछ अच्छा करके दिखाने के बाद ही सामने से लोग आते हैं। तो अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए इन लोगों को और उसके बाद जो स्पॉन्सर्स आते हैं उसके ऊपर उनकी तैयारी अपने आप अच्छी हो सकती है। सर, इंडिया के सभी बॉडी बिल्डर्स के लिए आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका मोटिवेशन कौन है? मेरा मोटिवेशन मतलब स्टार्टिंग से ही थे, वो थे अर्नॉल्ड, क्योंकि उनका अगर आप करियर स्टार्टिंग से देखेंगे तो हर फील्ड में गए उन्होंने टॉप ही किया हुआ है। तो मैं उसका पहले से फ़ैन था, मूवीज़ वगैरह देखता रहता था और मेरे आइडल वही है, उनको बहुत मानता हूँ। सर, अगर सप्लीमेंट और डाइट की बात करें तो इंडिया में लोगों में आज भी इतनी अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, तो आप जितने भी अपकमिंग बॉडी बिल्डर्स हैं उन्हें क्या गाइडेंस देंगे? और आपकी जो अपनी ब्रांड है बिग फ्लेक्स, उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए कि और उसके प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है। अभी इंडिया में अगर देखेंगे तो वैसे नहीं है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो वो टाइम पे मैंने मेरे नॉलेज से जो मैं कर सकता था उतना मैं जॉब कर दिया था, तो मुझे देख के लोग हंसते थे। लेकिन उसके बाद में अगर आज के डेट में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, डाइट वर्कआउट ही फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को डाइट फॉलो कर देना चाहिए, जंक फूड तो बंद होना ही चाहिए कम्प्लीटली, उसमें ऑयली बटर चीज ये जो है अपने डाइट में से मतलब खाने में से जो भी अपना आहार ले रहे उसमें से पूरे का पूरा बंद कर देना चाहिए, तभी इसमें कुछ हो सकता है। और सप्लीमेंट की जो बात है वो सप्लीमेंट आप भी और पहले के इसमें सप्लीमेंट ये क्या है ये मालूम ही नहीं था बहुत सारे बहुत साल तक हुए, लेकिन उसके बाद में सप्लीमेंट आ गया। सप्लीमेंट आने के बाद वो सप्लीमेंट खाता है बोलेगा तो उसकी तरफ ऐसी नजर से देखते थे कि वो उसने कुछ तो बड़ा गुनाह कर दिया है। और सप्लीमेंट जो है ये कोई हानिकारक नहीं है, सप्लीमेंट जो है अगर आप जिम जा रहे हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उनके हर एक किसी के लिए सप्लीमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ वो सप्लीमेंट जेन्युइन और ओरिजिनल होनी चाहिए और वो लेने के बाद उसका डाइट भी अच्छे तरीके से और वाटर इनटेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अगर होता है तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बोला बिग फ्लेक्स, ये जो हमारी बिग फ्लेक्स जो कंपनी है इसमें मतलब मल्टी विटामिन से लेके फैट कटर, वेट गेनर, हेयर प्रोटीन और कुछ प्रोडक्ट ऐसे आ रही है जो आज तक मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं किए हुए, कुछ अलग से आ रहे हैं हम लोग लेके, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छे है, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट चालू है। तो आपको जो भी कुछ लगेगा तो यहाँ पे हम ऑल इंडिया डिलीवरी देते हैं, उसमें हमारा नंबर है 7350508982। तो सर, आपके अभी फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या है कॉम्पिटिशन्स को लेकर, बिग फ्लेक्स को लेकर? अभी इस पर कैसा है, मैंने आगे का प्लान किया हुआ है कि 10 प्राइम मिनिस्टर इंडिया, 1 प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र और जितने भी लोकल्स कॉम्पिटिशन है 15 साल से जीत रहा हूँ इधर मुंबई महाराष्ट्र और इंडिया में। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आने वाले नए बॉडी बिल्डर है हमारे उनके लिए ये सब ओपन कर कुछ, और मैं सिर्फ इंटरनेशनल करूँगा ऐसा सोच रहा हूँ मैं। लेकिन बहुत सारे मेरे फैंस फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे कि नहीं नहीं अभी भी आपको इंडिया और महाराष्ट्र का कॉम्पिटिशन करना चाहिए, बहुत सारे वेटिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन अभी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखेंगे आगे अभी क्या करना है कैसे करना है वो आपको यूट्यूब पे इसमें से बताएंगे आप। के बारे में बोलना चाहूँगा, जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग यूट्यूब देखते हैं, सोशल नेटवर्क देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे पहले जैसे दिन नहीं रहे हैं, तो आपके माध्यम से आप अलग अलग बॉडी बिल्डर हमारे उनका अनुभव, उनका अभी तक का जर्नी, वो डाइट कैसे लेते हैं, वर्कआउट कैसे करते हैं,
पब्लिक के सामने आप आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये आने वाली जो हमारी जनरेशन है इनके लिए सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और आप ऐसे ही काम आपका आगे चालू रहे, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।